नमस्कार, वक्त चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। अंबिकापुर, स्वास्थ्य मंत्री ने किया अंबिकापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोमवार को अंबिकापुर के गंगापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। मरवाही अवैध क्रेशर व उत्खनन, नाराज विधायक ने कलेक्टर को लिखा पत्र। मरवाही क्षेत्र का संरक्षित भालू लैंड अवैध कारोबारियों के लिए बना स्वर्ग। सुकमा, मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के कुम्हार रास स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण किया। रायगढ़, भाजपा के पूर्व विधायक अग्रवाल का निधन। भाजपा के पूर्व विधायक रोशन लाल अग्रवाल का आज दिल्ली के मेदांत अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही रायगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। जानिए, रिश्वत लेते अस्थायी निलंबित थाना प्रभारी का तबादला। आईजी के निर्देश पर पुलिस कप्तान पारुल ने तत्काल प्रभाव से जहां एसआई को निलंबित कर दिया, वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी का भी तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया। जगदलपुर, दर्दनाक सड़क हादसे में 9 महिलाओं की मौत, 13 घायल। जिले से 25 किलोमीटर दूर ओडिशा के कोटपाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मोताहाड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में वाहन में सवार 9 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। भिलाई, शादी के बाद पता चला कि पति समलैंगिक। पति सहित परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज। विवाहिता ने अपने पति पर समलैंगिक होने का आरोप लगाते हुए उसके और परिवार के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। बिलासपुर, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जॉन के इन 6 मार्गों में अब नहीं होगा हादसा। बजट में रेलवे के लिए हाई डिस्पेंसिव व हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू करने की घोषणा की गई। बिलासपुर, रेलवे कर्मचारियों ने निराशा, निजीकरण से सभी हताश। आम बजट के साथ रेल बजट का वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। हालांकि बजट में अधोसंरचना और संरक्षा की दृष्टि से कितना फंड दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को मिला है। सुकमा, केंद्र जीएसटी का पैसा दे दे तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अगर भारत सरकार जीएसटी का पैसा दे दे तो प्रदेश सरकार को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जोहार छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।